कभी आप ब्रह्म मुहूर्त में जगे, जगकर देखिए संध्या होने के पश्चात जब रात्रि का अंधकार सारे संसार को धीरे धीरे अपने अंधकार में निगलने लगता है, तो यही अंधकार ब्रह्म मुहूर्त में भोर होने से ठीक पूर्व तनिक अधिक काला हो जाता है। कुछ समझे? हमारा जीवन भी कुछ ऐसा ही होता है। जब हमारे जीवन की समस्याएं अपने अंत पर होती है, तो यही समस्याएं एक भीषण रूप लेकर हमारे समक्ष प्रस्तुत हो जाती है, और ऐसे परिस्थिति में अधिकतर लोग हार मान जाते हैं, भय खा जाते हैं। परंतु यदि आप हार ना माने, भय ना खाए, दृढ़ रहें, निरंतर आगे बढ़ते रहें, तो प्रकाश के रूप में हमारा स्वागत करने के लिए सूर्य उदय सदा हमारे समक्ष प्रस्तुत रहेगा। आप क्या चाहते थे दाऊ? कि दुर्योधन इस युद्ध में विजयी हो जाए और पांचाली को अपनी जंघा पर बैठाए? क्या ये नियम होता? क्या ये धर्म होता दाऊ? यदि ये दोनों युद्ध करना चाहते हैं तो करें। इस युद्ध का निर्णायक मैं बनूंगा। और स्मरण रहे, जिसने भी इस युद्ध में नियमों का उल्लंघन करके विजय पाई, उसे मैं स्वयं अपने हल से समाप्त कर दूंगा। जो हुआ था वही नियति थी और वही धर्म के हित में की गई नीति था। और यदि फिर भी आपको ऐसा लगता है कि इस द्वंद में आपके समक्ष अधर्म हुआ है, तो सारे अधर्म की जड़ मैं होता हूं। तो पहले मेरा संहार कीजिए था, मैं इस दंड के लिए प्रस्तुत हूं। तुमने मुझे निरुत्तर कर दिया कान्हा। परंतु निराश मैं अभी भी हूं। भले ही दुर्योधन हार गया, परंतु मेरी दृष्टि में आज भी वो मेरे पश्चात संसार का सर्वश्रेष्ठ गदाधारी रहेगा। के अंत के साथ साथ इस युद्ध का भी अंत हुआ वासुदेव। हम विजयी हुए। धर्म ने आज पुनः अधर्म पर विजयी पा ली। युद्ध समाप्त हो चुका है। चलिए
सब शिविर की ओर चलते हैं। युद्ध अभी शेष है धर्मराज, पांचाली तुम सबकी प्रतीक्षा कर रही है। जाओ। मैंने अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण की पांचाली। वचन के अनुसार मैंने 100 करोड़ का वध कर दिया। ये क्या हो गया मित्र? कृत वर्मा, देखो देखो मेरे मित्र की क्या दशा कर दी उन्होंने। ये सब उस वासुदेव का किया है। यादव हूं परंतु गर्व है कि कौरवों के लिए लड़ा, और आज वासुदेव ने छल से दुर्योधन की, जैसे छल से अंगराज करण का वध करवाया वासुदेव ने, और आज उठो मित, हमें युद्ध जीतना है मित, हमें युद्ध जीतना, हमें पितामह, पिताश्री और मित्र कर्ण की मृत्यु का प्रतिशोध लेना है मित। उठ जाओ मित, उठ जाओ मित्र। तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते मित। उठो मित, मित्र उठो, उठो। नहीं अश्वत्थामा, हम ये युद्ध हारे नहीं हैं अभी। मित्र तुम जीवित हो मित्र? साथ ही ये युद्ध अभिशेष है मित्र। हमें युद्ध जीतना है मित्र, हमें युद्ध जीतना है। उठो उठो मित्र, उठो। हमें युद्ध समाप्त करना है मित्र। उठो, हम ये युद्ध जीतेंगे मित्र। उठो मित्र। अश्वत्थामा, मैं हिल भी नहीं सकता। मेरा पूरा शरीर निष्क्रिय हो गया है। नहीं मित्र ऐसा मत कहो मित्र, तुम सब कुछ कर सकते हो मित्र। और तुम्हारा ये मित्र अश्वत्थामा, ये भी सब कुछ कर सकता है मित्र, सब कुछ कर सकता है। मुझे सौगंध है अपने पिता की, आपकी और मित्र कर्ण की मित्रता,
मैं पांडवों से प्रतिशोध अवश्य लूंगा मित, अवश्य लूंगा। मुझे आज्ञा दीजिए, मैं पांचों पांडवों के शीश आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा मित्र। मुझे एक अवसर दीजिए, मेरा अभिषेक कीजिए मित्र। अब मैं ही आपकी सेना, अब मैं ही आपका सेनापति मित्र, मैं ही आपका सेनापति। जाओ अश्वत्थामा, जाओ और मेरा प्रतिशोध लेकर आओ। अब समय आ गया है सखी, तुम्हारे पतियों ने अपनी प्रतिज्ञाएं पूर्ण की। अब तुम अपना सम्मान वेश धारण कर सकती हो, चूड़ामणि धारण कर लो सखी। चापी पांचाली वेदी मध्यात समुद्धिता सुभांका दर्शनीयांगी स्वासिताय तलोचना चलिए ज्येष्ठ, अब हमें चलना चाहिए। नहीं अर्जुन, ये राहु काल का समय है, कल प्रातः काल में प्रस्थान करेंगे। कृतवर्मा, हमें इसे संभव बनाना होगा, हमें ये युद्ध जीतना ही होगा। मैंने मित्र दुर्योधन को वचन दिया है और मैं इसे पूर्ण करके रहूंगा। किंतु योजना क्या है? योजना है मेरे पास, अंततः 18 दिन के पश्चात ये महासंहार समाप्त हुआ। युद्ध भूमि को त्यागने से पूर्व युद्ध को संपूर्ण नहीं समझा जाता धर्मराज। कल प्रातः काल तक प्रतीक्षा कर, क्या पता कि कोई और चुनौती हमारी प्रतीक्षा कर रही हो। आज रात्रि जब वो विश्राम करें तो हम उनका संहार करेंगे। जिस प्रकार उल्लू रात्रि में अपने शत्रु का अंत करता है, उसी प्रकार हम भी पांडवों का शिकार करेंगे। पांडवों का स्वागत हस्तिनापुर में नहीं,
यमलोक में हूं, यमलोक में। यदि कल प्रातः काल तक कोई चुनौती नहीं आती तो ही इस युद्ध को समाप्त समझना धर्मराज। किंतु माधव, अब हमें चुनौती देने के लिए शेष बचाई कौन है? अश्वत्थामा, क्या हम अनिति पूर्वक पांडवों का वध करेंगे? इस महाभारत में नीति अब शेष ही कहां है? क्या मेरे पिता का वध नीति से हुआ? क्या महामहिम भीष्म का संहार नीति पूर्वक था? क्या कर्ण का वध नीतिगत था? यहां तक कि मित्र दुर्योधन को भी नीति से परास्त किया गया। तो किस नीति की आशा लगाए बैठे हो कृतवर्मा? इस युद्ध में नीति और अनीति का कोई महत्व नहीं। महत्व है तो केवल विजय का, महत्व है तो केवल प्रतिशोध का। विजय पाने का केवल एक ही मार्ग है, आक्रमण, और वो भी तब शत्रु निद्रा में लीन हो। अपने शस्त्र के साथ सज रहो कृतवर्मा, और रात्रि की प्रतीक्षा करो। इस युद्ध में तुम सबके योगदान से हम गर्वित हैं पुत्र। इस युद्ध में तुम सबका प्रदर्शन प्रशंसनीय था। युद्ध अब समाप्त हो चुका है और भोजन के पश्चात तुम सबको विश्राम करना चाहिए। पुत्र ही क्यों, उनके पिता भी निश्चित होकर विश्राम करेंगे। क्या हुआ माधव? एक अग्नि की चिंगारी बुझते बुझते भी कुछ ना कुछ भस्म करने का सामर्थ्य रखती है सखी। ये माधव क्या कह रहे थे? क्या कोई अनहोनी घटित होने वाली है? क्या हुआ पांचाली, इतनी विचलित क्यों हो? आर्य, माधव की बातों से ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ है। कुछ शेष है जो हमें हानि पहुंचाने के लिए सज्ज है। माधव की कोई भी बात कभी भी निरर्थक नहीं होती। हमें उनकी बात के पीछे अर्थ को समझना होगा।